पहले कोई भी थंबनेल यूज करने से पहले दोनों पति पत्नी की बात पहले सुन लीजिए, फिर कुछ वीडियो बनाइए, फिर कुछ थंबनेल पे लिखिए। नमस्कार दोस्तों, दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों थंबनेल देख के तो आप लोग समझ ही गए रहेंगे कि हम कौन सी टॉपिक पे बात करें। जैसे कि अभी यूट्यूब पे एकदम ज्यादा तेजी से चल रहा है, जो रानी कुमारी ऑफिशियल है वो भाग गई है किसी दूसरे के साथ में, ऐसे उनके पति का कहना है। तो मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहती हूँ, मेरा सिर्फ यही मकसद एक वीडियो बनाने का कि देखो भाई, मैं मेरे मन में जो है, मैं जो साफ साफ जानती हूँ, मैं वही बोल रही हूँ। किसी को बुरा लगे चाहे अच्छा लगे इससे नहीं मतलब। तो एक की अगर हम बात सुनेंगे ना तो हमें सामने वाले की ही गलती लगेगी। अगर उनके पति का सिर्फ हम बात सुन रहे हैं ना तो वहाँ पर रानी कुमारी ही एकदम गलत आएंगे, और रानी कुमारी का बात सुनेंगे तो उनके पति की गलती आएगी, यही होगा। इसलिए दोस्तों कुछ भी वीडियो बनाने से पहले, कोई भी थंबनेल यूज़ करने से पहले दोनों पति पत्नी की बात पहले सुन लीजिए, फिर कुछ वीडियो बनाइए। फिर लिख रहे हैं कि अपने घर से सोना लेकर भाग गई है, इतना सोना लेकर भाग गई है, और कितने लोग बोल रहे हैं कि इस लड़के के साथ में भाग गई है। तुमने देखा इस लड़के के साथ में भाग गई है? नहीं ना, तो उनके चैनल पर जाकर देखिए, वो इतनी मजबूर हो गई थी ना कि उनके जगह पर कोई भी रहेगा ना तो फिर यही कदम उठा लेगा। जिसके ऊपर बीतती है ना तो वही जानता है। एक उनके पास में छोटी लड़की है और उनका पति का मतलब, एक वीडियो में उन्होंने मतलब बताया है अपने पति का क्यों वो घर से बाहर निकली है, क्यों नहीं रानी कुमारी ऑफिसर करके अगर आप सर्च करेंगे तो पूरा डिटेल में उनका चैनल आ जाएगा और उन्होंने सब कुछ उसमें बताया। तो जाकर देख लीजिए, अपने मुंह से खुद बताइए, हमारे बोलने से कोई वो नहीं, लेकिन अपने मुँह से खुद बताइए कि। और उनके विष्णुराज भाई के चैनल पर उन्होंने एक वीडियो अपलोड किया था उनके पति ने, तो ऐसी ऐसी बातें बोल रहे हैं ना। मैं तो ये बोलती हूँ कोई भी पति रहेगा अगर वापस अपनी पत्नी को रखना चाह रहा है रखेगा, तो वो इतनी बातें नहीं बोलता जो फालतू, वो भी एक चैनल पे नहीं, जाके कितने चैनल पे देखिए, कितने चैनल पे इनसे बनवा रहा है। जिसका चैनल थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, तो जिसका भी चैनल मतलब बड़ा दिख रहा है उनके चैनल पर जाके मतलब कि वो बोल रहा है मेरी औरत इसके साथ में भाग गई है, ये था मोनू था, ये था फलाना ढिकाना, किसका किसका नाम ले रहा है, चमार है जात का, ये है वो है। भैया सब तुम पहले ही से सब कुछ जान रहे थे तो फिर क्यों नहीं सही से रहे, क्यों उनको मजबूर कर दिए कि वो कदम उठाने पर, इतने दिन से तो बराबर तुम्हारे साथ में थी। हाँ तो मैं तो यही साफ साफ कहूँगी भैया, एक की गलती नहीं है, दोनों की ही गलती है, और एक हाथ से ताली नहीं बजती है, कहावत है ना कि एक हाथ से ताली नहीं बजती है, तो वो सही बात है। तो कहीं ना कहीं, और रही बात रानी कुमारी का भाई, वो जहाँ है अपनी ज़िंदगी में बहुत ही खुश है, और खुश क्या भले से खुश तो है लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं उनका भी दिल दुखता तो ज़रूर ही रहेगा। बोला जाता है ना कि इंसान जब कोई भी कदम उठाता है ना तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो उनके भी मतलब दुख दर्द जो होता है उनको भी होगा कि क्या हुआ, आज उनका पति ही सही रहता, उनके घर वाले तो चलो कैसे भी रहें कोई बात नहीं, सास ससुर कैसे भी रहें चलता है, बट आदमी सही रहे तो जीवन अच्छे से कट जाता है। लेकिन जब हमारा साथ देने वाला आदमी ही नहीं सही से रहेगा तो फिर वो कैसे बिताएंगे उसके साथ में अपना जीवन। तो बस यही सब बात है। और बहुत से लोगों का मैंने वीडियो देखा, बहुत से लोग उनके लिए वीडियो बनाए हैं रानी कुमारी के लिए, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो उल्टा फुल्टा कह रहे हैं, इसके साथ में भाग गई है तो इतना सोना लेके भाग गई है, इतना पैसा लेके भाग गई है, तो वो ऐसी थी वो वैसी थी, अभी सबको बात आ रही है बोलने के लिए। हाँ जिसके ऊपर बीतता है ना तो वही समझ सकता है। और आज रानी कुमारी के साथ में ज़्यादा कुछ मतलब हो गया था तब उसने इतना बड़ा कदम उठाया, नहीं तो वो नहीं उठाती। और एक वीडियो में तो बहुत ही खुश थी वो अपने पति के साथ में, बहुत ही खुश थी। तो अच्छा ये बताओ मुझे भैया कि कोई अगर इतना खुश रहेगा अपने पति के साथ में तो वो दूसरे के साथ में मतलब चला जाएगा? और ये बात एकदम से झूठ है, क्योंकि रानी कुमारी खुद बताते हैं कि वो किसी के साथ में आई नहीं है, बाकी वो जहाँ कहीं पर भी हैं वो अपनी बच्ची के साथ में हैं, लेकर आई हैं अपने घर से। इतना ज़्यादा वो टॉर्चर हो गई थी ना, इतना ज़्यादा कि इतना बड़ा फैसला उन्होंने ले लिया है। तो खैर कोई बात नहीं, मैं तो सिर्फ यही बोलना चाहूँगी भैया दोनों आदमी की गलती है इसमें। अगर रानी कुमारी को आना है अपने पति के पास में
तो अभी भी चलो भैया कुछ नहीं हुआ है, ज्यादा देर नहीं हुई है, गलती हुई है, माफी मांग लेना, बस बात खत्म। लेकिन उनकी आदमी की भी इतनी सी गलती, तो मुझे लग रही है कि इनके उनके चैनल पे जाके मतलब वो वीडियो बनवा रहे हैं कि अरे वो ऐसा कर दी है, वो आएगी तो मैं रख लूंगा उसको, ये वो। तो इनके उनके चैनल पे काहे के लिए मतलब वीडियो बनवा रहे हो? जो करना है तुमको सीधे से उनके वीडियो में जाके उनको कमेंट करो, उनका नंबर ले लो, उनसे फोन पे बात कर लो। तुमसे फोन पे बात नहीं कर रहे तो उनके वीडियो में जाके उनके कमेंट करो, बात करो सीधा, वो खुद रिप्लाई देंगे उनके मन में क्या है क्या नहीं। अभी तुम ये कहो कि उनके उनके चैनल पे जाके वीडियो बनाओ, उल्टा सीधा वर्ड बोलो, वो देखेगी तो क्या फिर आएगी? हाँ देखो, रानी कुमारी की जिंदगी भैया, उनको जैसे जीना है वैसे जीने का हक है उनको। अगर वो अकेला रहना चाहती है तो अकेले ही रहें, और अगर आके रहना चाहिए ती हैं अपने पति के पास में तो आके रह सकती हैं, कोई बात नहीं। तो दोस्तों, आप लोगों की क्या राय है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नए वीडियो के साथ में, तभी के लिए बाय बाय दोस्तों।